बोकारो स्टील प्लांट से विस्थापित हुए लोगों का शब्द अब जवाब देने लगा है। इसी का नजारा देखने को तब मिला जब बोकारो स्टील प्लांट से विस्थापित हुए स्थानीय लोग डिस्प्लेस टाइगर फोर्स के बैनर तले महिलाओं सहित बोकारो स्टील प्लांट के कार्यकारी निदेशक के आवास को घेरने पहुंचे। इस विरोध प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। कहते हैं कि वहाँ से जितना भी डस्ट है वो सारा साफ हो जाए और हम लोगों रोजी रोटी के लिए इधर विस्थापितों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय पुलिस सहित CISF के सुरक्षा बल भारी मात्रा में तैनात कर दिए गए। घंटों चला आंदोलन जल्द वार्ता के आश्वासन के बाद विस्थापितों ने वापस लिया। आंदोलन है विस्थापितों का, बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों का नौकरी, पुनर्वास, मुआवजा और पंचायत का दर्जा दिलाने का ही हम लोग का मांग है। एस कौन से प्रभावित जितने भी गांव हैं सब एक महिलाएं, लड़कियां, लड़के सारे लोगों को रोजगार देना, वही मेरा एक आंदोलन है। उसी के चलते हम लोग डायरेक्टर इंचार्ज बोकारो स्टील प्लांट पुष्पेंद्र कुमार साहब के यहाँ आए। बात अभी तक अभी तो नए नए आए हैं तो हम लोग इतला कर देना चाहते हैं कि स्थापित को मांग नहीं माना गया कि दिलभर पे मानने पर यह आंदोलन होगा। सरकार इस पर पहल कर रही है, सरकार के तरफ से पहल हो रहा है, बार बार इनको बोला जा रहा है कि भाई विस्थापितों के बारे में सोचिए, विचारिए, वो लोग का सारे डिमांड को मानिए। पिछले सरकार में किसी तरह का पहल नहीं हुई, अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा अपना सरकार हो गया, झारखंड का सरकार हो गया, मूलवासी का सरकार हो गया, आदिवासी का सरकार हो गया, विस्थापित का सरकार हो गया, हमसे वोट पूरा हो गया। बोकारो स्टील प्लांट का गलत मानसिकता के चलते हम लोग वोट। मुखर संवाद के लिए बोकारो से शशिकांत की रिपोर्ट है। आप जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।